हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल स्टडी बेसिक इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व द एग्जाम्पल्स ऑफ आई क्लास एक्स चैप्टर वन व्हिच इज जीएसटी सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ओके तो सबसे पहला एग्जाम्पल्स है अ डीलर इन अ सिटी बाय सम गुड्स वर्थ रुपीज सिक्स थाउजेंड फ्राम द सेम सिटी मतलब एक डीलर है जो उसी सिटी का है वहीं से एक गुड्स ख़रीदता है कुछ भी सम गुड्स खरीद वो बाय करता है वो उसका जो कॉस्ट है वो सिक्स थाउजेंड है और वो सेम सिटी में उसी सिटी में ख़रीद रहा है तो इफ़ द रेट ऑफ जी एस टीज एटीन परसेंट तो उसकी जो रेट ऑफ़ जी एस टी है एटीन परसेंट है अब आपको पता है कि जब सेम सिटी है अब जहर सी बात है अगर उसी सिटी में कोई पर्टिकुलर स्टेट में रह रहा होगा उसी स्टेट में ही उसने शॉप शॉपिंग की है ख़रीदा है गुड्स को तो यहाँ पे कौन सा ट्रांजेक्शन लगेगा तो पता है कि जब सेम सिटी में होता है तो आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन लगता है तो फाइंड हाउ मच विल द डीलर पे फॉर द गुड्स बॉट जो उसने ख़रीदा है उसके लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा तो आपको एक चीज़ यहाँ से बता देता हूँ कि कभी भी जी अलग से ऐड होती है कभी भी बिल के साथ बिल में तो ऐड की जाती है लेकिन जो वैल्यू है वो उसको अलग लिखा जाता है और जी उसमें प्लस करके बाद में अमाउंट तो जो इस एक्चुअली इसमें अमाउंट पूछ रहा है कि कितना उसको पे करना पड़ेगा क्योंकि जी एस तो भी आपको देनी पड़ेगी तो एक्चुअली वो अमाउंट हुआ सॉल्यूशन के लिए जैसे अब देखो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है सिक्स थाउजेंड है जी एस रेट एटीन परसेंट है तो आप इसमें क्या करेंगे तो जैसे कि अब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन का है तो अब इसमें जब इंट्रा इस्टेट ट्रांजेक्शन होगा क्यों होगा क्योंकि ये सेम सिटी में ट्रांजेक्शन होगा उसी सिटी में हो रहा है एक्चुअली उसी सिटी में ही ना हो ऐसे भी हो सकता है कि उस पार्टिकुलर स्टेट में ही कोई दूसरी सिटी हो सपोज करो मैंने एक कोई लखनऊ में सामान खरीदा और मैं आगरा का रहने वाला हूँ या मैं आगरा लेकर के गया तब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन लगेगा मैं गोरखपुर लेकर के गया हूँ तो ये तब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन लगेगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे इंट्रा स्टेट की बात हो रही है ना इंट्रा सिटी की बात हो रही है तो स्टेट के अंदर कहीं भी उस स्टेट पार्टिकुलर स्टेट कोई भी स्टेट हो चाहे महाराष्ट्र हो यूपी हो इंडियन स्टेट्स कोई भी हो उस स्टेट्स के अंदर कोई भी सिटी के सिटी से बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन लगेगा ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए अब इससे पहले जैसे इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया है कि जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो सी और एस जो है तो अब ये पता है कि सी जी एस टी जो होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको कलेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट और इसमें जो रेवेन्यू होता है वो इक्वल डिवाइड होता है इंट्रा स्टेट में ठीक है तो अब यहाँ पे बात करेंगे अब नाइन परसेंट ऑफ सिक्स थाउजेंड अब क्योंकि ये इक्वल डिवाइड होगा तो नाइन नाइन परसेंट में डिवाइड हो जाएगा इसको अगर हम यहाँ से कहें तो ये नाइन परसेंट जो हो जाएगा आपका सी जी एस टी और नाइन परसेंट हो जाएगा आपका एस जी एस टी ठीक है अब नाइन परसेंट को इसको कट करोगे नाइन परसेंट ऑफ रुफ़ीज़ सिक्स थाउजेंड सो नाइन बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय सिक्स थाउजेंड सो जी डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय नाइन जीरो आप लिख लीजिए नाइन सिक्स फिफ्टी फोर फाइव हंड्रेड फोर्टी हो जाएगा आपका ये अब आपको पता है कि अब ये आपको एक जैसे इसमें दिखाना है कि कैसे इसको किया जाएगा बाकी ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब वही सेम वैल्यू है सेम परसेंटेज है तो यहाँ पे भी जो उसका परसेंट आएगा वो भी सेम होगा ठीक है और इसकी जो आईजीएसटी होगी वो ज़ीरो होगी क्यों क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो लगता है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जैसे राजस्थान से कोई महाराष्ट्र कोई सामान ट्रांसफ़र uh, हुआ या ट्रांजेक्शन हुआ राजस्थान से ख़रीदा गया जाके महाराष्ट्र में बेचा गया तो ऐसे कंडीशन में या ऐसी जब स्थिति आएगी तब तो हम जा करके आईजीएसटी लगाते हैं इसको कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और इक्वली डिवाइड करता है तो शेयर जो होते हैं इक्वली डिवाइड होते हैं अब बात करते हैं और किसके बीच में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, में। ठीक है अब यहाँ पे जैसे ये चीज़ हो गई तो ही विल पे अब कितना पे करेगा सिक्स थाउजेंड ये हो गया प्लस फाइव हंड्रेड फो, फोर्टी सी जी एस टी हो जाएगा फ़ाइव हंड्रेड फोर्टी एस जी एस टी हो जाएगा तो जो वैल्यू आएगी उसको आप ऐड करो तो देखो जब ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि सिक्स थाउजेंड प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कर लो फाइव हंड्रेड फोर्टी टू जहा कितना होता है वन जीरो एट जीरो इट मीन सेवन जीरो एट जीरो सिंपल सा तो आप जब भी दो तीन होते हैं तो उनको आप ये कर सकते हो सो so, मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट एग्जाम्पल आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर टू तो गिवेन बिलो आर द कॉस्ट ऑफ सम फाइनेंशियल सर्विस इन द सेम सिटी यहाँ पे भी सेम सिटी की बात कर रही है तो सेम सिटी की बात जब होगी तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा टैक्सेबल अंडर जीएसटी तो कॉस्ट ऑफ सर्विस जो है इसका रुपीज़ फाइव हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड एंड सिक्स हंड्रेड तो यहाँ पे रेट ऑफ जो जीएसटी है वो ट्वेल्व परसेंट है इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज ट्वेल्व परसेंट शो हमें बताना है अमाउंट अमाउंट ऑफ जी एस टी आन दीज सर्विसेज तो अब ये कौन सा केस है इंटरास्टेट ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो रहा है तो क्यों सेम सिटी में हो रहा है यहाँ पे हालांकि सेम स्टेट में भी होता है तब भी इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन होता अब बात करेंगे जैसे ये सारी हम पहले इनको ऐड कर लेंगे तो इनको ऐड कर लेंगे हम जानते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी है सर्विस की तो टोटल कॉस्ट ऑफ़ सर्विसेज इज़ इक्वल टू रुपीज़ फ़ाइव हंड्रेड प्लस रुपीज़ थ्री हंड्रेड प्लस रुपीज़ फोर हंड्रेड प्लस रुपीज़ सिक्स हंड्रेड तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो देखो जीरो है तो जीरो को ऐड करने का कोई मतलब नहीं है डायरेक्ट आप लिख लो डबल जीरो है सब में तो जीरो कॉम लिख लीजिए फाइव थ्री एट एट फोर ट्वेल्व और ट्वेल्व सिक्स एटीन एटीन हंड्रेड उसके बाद हम देखेंगे कि अब इसमें क्या होता है मैंने अभी बताया कि रेवेन्यू क्या होंगे इसके इक्वली शेयर होंगे इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन में मतलब सी जी एस टी इज इक्वल टू एस जी एस टी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इज इक्वल टू स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो सी जी एस टी की बात करेंगे तो सिक्स परसेंट ऑफ एटीन हंड्रेड होगा एटीन हंड्रेड क्या था टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस थी तो टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस है सो सिक्स बाय हंड्रेड इंटू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय एटीन हंड्रेड डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देंगे सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाय एटीन सिक्सटीन एटीन जा वन हंड्रेड एट होता है सॉरी सिक्स एटीन जा वन हंड्रेड एट होता है सिक्स परसेंट ऑफ एटीन हंड्रेड स्टेट जी एस टी की बात कर रहे हैं जिसमें अगेन सेम वही प्रोसेस होगा क्योंकि सेम वैल्यू है तो यहाँ पर भी आंसर वन आएगा यहाँ पर जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि आई जी एस टी जो नहीं होता है जीरो जीरो इसको हम नील भी कह सकते हैं यहाँ पे। आईजीएसटी जो है नील होती है तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो 108 हंड्रेड एट प्लस वन हंड्रेड तो यहाँ पे हमें क्या बताना था कि जो जी है जी टोटल कितना होगा तो जी एस होगा तो आई होप ये वीडियो ये एग्जाम्पल्स भी आपको क्लियर हो गया होगा मैं एक एक करके सारे चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से समझाऊंगा। चाहे वो एक्सरसाइज भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा देंगे जो बिल्कुल एकदम सेम होंगे उन्हीं क्वेश्चन को मैं नहीं छुएंगे ये पूरी तैयारी आपकी क्लियर हो जाएगी इसमें पूरे मैथ्स में कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपका पूरी सेलिना मैं ख़त्म करने वाला हूँ उसके बाद मैं एम अग्रवाल उस और ये बोर्ड आते आते, आते आप तक मैं इसका प्रीवियस पेपर इसमें बिल्कुल एकदम आपको एश्योर्ड कर दूँगा इसमें मैं कुछ बताएंगे हम कैलकुलेशन के बारे में कि कैलकुलेशन को इजी कैसे बता सक कर सकते हैं विद इन वीडियो वीडियो के बीच में भी मैं बोलूँगा बताऊँगा इसमें कुछ जहाँ पे मुझे लगेगा बताने वाला और उसके लिए फिर मैं एक आप लोग डिमांड करेंगे तो स्पेशल एक उसका हम ट्रिक वीडियो भी डाल देंगे कैलकुलेशन ट्रिक जो कि बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उसमें भी होगा और उसको फिर ट्रिक कैसे बनाई जाएगी वो भी मैं बताऊंगा डायरेक्ट ट्रिक भी नहीं याद करने क्योंकि मैं याद करने के लिए ज्यादा नहीं बोलता हूं so, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री फाइंड द अमाउंट ऑफ विल फॉर द फॉलोइंग स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स यहां पे बात क्या की गई है यहां पे अमाउंट ऑफ बिल। अब बिल की बात की गई है, तो यहां पे जो है अमाउंट ऑफ जीएसटी में सिर्फ हमें जीएसटी के टैक्स बताने थे और अमाउंट ऑफ बिल में हमें टोटल बिल बताना होगा यानी जो कॉस्ट होगी उसकी वो प्लस जीएसटी उसमें ऐड कर देंगे वो बताएंगे ठीक है अब यहाँ पे जैसे कुछ एक टेबल दी हुई है उसका रेट ऑफ़ जीएसटी इसमें लगेगा जो ट्वेल्व परसेंट है ठीक है अब यहाँ पे देखो इन्होंने खुद लिख दिया इंटरेस्ट एस टी ट्रांजेक्शन इंट्रांस ट्रांजेक्शन में क्या होता है सी जी एस टी और एस जी एस टी इक्वल होते हैं ठीक है सबसे पहले देखते हैं जैसे एम आर पी एम आर पी स्टैंड फॉर मैक्सिमम रिटेल प्राइस सो अब यहाँ टू हंड्रेड फिफ्टी जिसके लिए डिस्काउंट थर्टी परसेंट है अब इसको अभी हम और आगे बताते हैं टू हंड्रेड फोर्टी परसेंट है वन हंड्रेड फोर्टी फिफ्टी पे थर्टी टू परसेंट है एंड रुपी थ्री हंड्रेड पे टू ट्वेंटी परसेंट है ओके okay. अब यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे कि सेलिंग प्राइस हमें जानना जरूरी है क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ जो एम है एम पे अगर उसमें डिस्काउंट लगा है तो हम इस पर हम कभी भी जीएसटी नहीं देंगे क्योंकि इस पर जीएसटी नहीं देंगे क्योंकि आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखते हो जैसे सपोज करो बहुत सारे आपको फोन में दिखेंगे कि उसमें जो एम है ट्वेंटी पड़ी रहेगी उसमें जो प्रिंटेड रहेगा और आपको मिल जाएगा टेन थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड तक तो अब ट्वेंटी फाइव था ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का अगर आप ट्वेंटी परसेंट सपोज करो कि ट्वेंटी परसेंट जी उसमें लग रही है तो इस इट मीनस काफ़ी विग अमाउंट फाइव थाउजेंड हो जाएगा और आप टेन फिफ्टीन पे ही भी देख रहे हैं तो सिंपल सा है फ़िफ्टीन पे अगर आप देखेंगे तो थ्री थाउजेंड होगा तो सीधा टू थाउजेंड का लॉस होगा तो ये इसलिए क्योंकि आप जितने पे ख़रीद रहे हैं जिस पे वो सेल कर रहा है सेलिंग प्राइस तो इसको हम डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस को हम डिस्काउंटेड प्राइस भी कहते हैं तो एक्चुअली यही है कि आप याद रखना कि एम पे हम कभी भी जी नहीं ऐड करते हैं हाँ अगर उसमें डिस्काउंट नहीं है तो फिर हम करेंगे अगर डिस्काउंट लगा हुआ है उसमें तो डिस् आफ्टर डिस्काउंट जो वैल्यू आएगी बचेगी उसे हम करेंगे ठीक है अब इसमें देखते हैं जैसे ये सारी चीज़ें हो गई अब हम इसको जैसे कि मैंने बताया कि सेलिंग प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस भी इसको कहते हैं अब इसको सॉल्व करेंगे तो टू हंड्रेड फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय थर्टी बाय हंड्रेड जीरो से हम जीरो कैंसिल कर देंगे ट्वेंटी फाइव थ्री या सेवेंटी फाइव तो अब इसमें क्या होगा 250 की कोई एम उसमें थी यानी उसमें 75 का उसको डिस्काउंट मिला है और अब वो वैल्यू 175 हंड्रेड सेवेंटी फाइव की होगी देखो इसको एक तरीका और है देखो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अब ऐसे क्यों सॉल्व कर सकते हैं उसके पीछे का रीज़न देखो कोई भी वैल्यू जो होती है अपने आप में हंड्रेड होती है कोई भी वैल्यू जो है वो अपने आप में हंड्रेड परसेंट होती है उसमें से थर्टी परसेंट अगर हम माइनस कर देंगे थर्टी परसेंट डिस्काउंट कर देंगे तो वो वैल्यू अपने आप की कितनी बचेगी वो सेवेंटी परसेंट बचेगी सिंपल सी बात है सेवेंटी परसेंट बचेगी तो हम सेवेंटी परसेंट भी निकाल लेंगे तो ट्वेंटी टू हंड्रेड फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय सेवेंटी परसेंट मीन सेवेंटी बाई हंड्रेड जीरो से जीरो हम कैंसिल कर देंगे तो ट्वेंटी फाइव से बन जाए वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव डायरेक्ट आंसर इससे आ जाएगा ठीक है अब ये हमें पता चल गया अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा में जैसे दे रखा दूसरे में टू हंड्रेड इसमें फोर्टी परसेंट डिस्काउंट दे रखा था तो फोर्टी परसेंट इसीलिए मैंने डायरेक्ट माइनस करके बता दिया कि हंड्रेड परसेंट जैसे ये वैल्यू है उसमें 40 परसेंट डिस्काउंट हो गया तो वो बचेगी वैल्यू कितनी सिक्सटी परसेंट बचेगी तो हम डायरेक्ट इसको सिक्सटी परसेंट पर निकाल दिए तो ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय सिक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी हो जाएगा थर्ड में भी सेम एट इच वन हंड्रेड फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी एट अब सिक्सटी एट कैसे बचेगा क्योंकि थर्टी टू परसेंट डिस्काउंट था इसमें थर्टी टू परसेंट डिस्काउंट होने की वजह से इसमें हम थर्टी टू माइनस कर देंगे क्योंकि ये भी अपने आप में हंड्रेड परसेंट है तो जब हम थर्टी टू परसेंट माइनस कर देंगे तो सिक्सटी एट परसेंट बचेगा इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिए जैसे जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे फाइव टू जा टेन फाइव थ्री या फिफ्टीन और फिर बचेगा थ्री मल्टीप्लाई बाय थर्टी फोर थ्री मल्टीप्लाई बाय थर्टी फोर इज़ इक्वल टू वन जीरो टू यानी वन हंड्रेड टू सेलिंग प्राइस बचेगी ठीक है इसको हम डिस्काउंटेड प्राइस भी बोलते हैं और लास्ट जो है थ्री हंड्रेड अब 300 में 20% परसेंट डिस्काउंट दिया गया था तो ये भी अपने आप में 100% परसेंट है 20% परसेंट डिस्काउंट देने के आफ्टर 20% परसेंट डिस्काउंट जो देने के बाद 80% परसेंट डिस्काउंट बच एट्टी परसेंट बचेगा उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 240। उसके बाद हम इनको ऐड कर देंगे तो 175 हंड्रेड सेवेंटी फाइव प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी प्लस वन हंड्रेड टू प्लस टू हंड्रेड फोर्टी ये सारे क्या हैं ये सारे जीएसटी के टैक्स जो हमें तो सिक्स हंड्रेड थर्टी सेवन हो जाएगा अब ये सिक्स हंड्रेड थर्टी सेवन सॉरी ये सेलिंग प्राइस हैं टोटल ये सारे सेलिंग प्राइस हैं सिक्स हंड्रेड थर्टी सेवन अब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो सी जी एस टी एस जी एस टी इक्वल होंगे तो सी जी एस टी इज इक्वल टू सिक्स परसेंट आप देखोगे सिक्स हंड्रेड थर्टी सेवन इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखो यहाँ पर बहुत से लोग इसको टू से कट करेंगे लेकिन मैंने देखो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी जब इस टाइप के हों और ये नीचे जो डिनमिनेटर वो पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो तो हमें क्या करना होता है डायरेक्ट वो भी हंड्रेड है तो हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम कहीं भी ये नहीं टू थ्री जा टू फिफ्टी इसको करेंगे देन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप उसको फिर से फिर भी आपको मल्टीप्लाई करने के बाद उसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा इससे अच्छा है आप सिक्स इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जो आएगा थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय हंड्रेड यहाँ पर हंड्रेड है तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जितने जीरो होते हैं उतने ही हम ऊपर डेसिमल को प्लेस कर देते हैं उतने तो आफ्टर देखिए यहाँ पे टू जीरो था तो आफ्टर दो डिजिट्स हम पहले लगा देंगे क्या डेसिमल ठीक है डेसिमल प्लेस कर देंगे सेम वही क्योंकि सी जी एस टी एस जी एस टी इक्वल होता है तो सेम यही प्रोसीजर इसमें भी लगाया गया है और यहाँ पर थर्टी एट पॉइंट टू टू यानी ये दोनों सेम आ गए उसकी बात करेंगे अब अमाउंट ऑफ बिल की बात की गई तो ये देखो सेलिंग प्राइस था ये इनकी जी एस टी का यानी टैक्स आ गया तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो अब जैसे कि मैंने बताया कि जैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या आप ऐसे कर दो सिक्स हंड्रेड थर्टी सेवन है इसको आप यहाँ लिखिए प्लस अब क्योंकि ये टू टाइम्स से, है सेम वैल्यू है तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए टू टू जा फोर टू टू ज़ा फोर पॉइंट थ्रू टू एट जा सिक्सटीन और टू थ्री जा वन ठीक है तो ये आप करने के बाद कर सकते हो सिंपली ऐड भी कर सकते हो इसमें कोई इतना माइंड लगाने की जरूरत नहीं है बट आप ऐसे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि धीरे धीरे फिर इसकी आदत हो जाएगी तो बहुत आसानी से बहुत जगह फिर इसको बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन अब की बार क्या है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है ठीक है ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सम कंसल्टिंग एजेंसी ठीक है कुछ एजेंसी हैं तो वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रही है तो अब इसमें देखिए जैसे कुछ सर्विसेज दे रखे हैं ट्वेंटी फोर हंड्रेड जिसपे जी एस टी ट्वेल्व परसेंट लग रही है कुछ ऐसी सर्विस है जो वन थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज़ की है उसमें ट्वेल्व परसेंट भी उसमें भी ट्वेल्व परसेंट जी एस टी है एंड दोनों थर्टी नाइन हंड्रेड की हैं इसमें जी एस टी एटीन परसेंट है ठीक है अब इसमें क्या है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो इसमें सी जी एस टी या जी एस टी खत्म हो जाएगा यानी अब सेंट्रल जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है अब ये दोनों अलग अलग नहीं कलेक्ट करेंगे टैक्स अब यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी टैक्स क्यों करेगी ऐसा क्योंकि सपोज करो अब दो स्टेट्स हैं अब दो स्टेट में अब जाना है तो राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में है तो सपोज अब राजस्थान का की गवर्नमेंट है वो कहेगी मैं टैक्स कलेक्ट करेंगे और वो कहेंगे कि हम टैक्स कलेक्ट, कलेक्ट करेंगे तो इन दोनों में कोई डिस्प्यूट ना हो कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है हम कलेक्ट करेंगे फिर दोनों में हम डिवाइड कर देंगे तो ये एक्चुअली होता है तो यहाँ पे सी जी एस टी एस जी एस टी जीरो हो जाएगा आई जी एस टी यहाँ पर लगेगी जो भी ये सारे ट्रांजेक्शन है इन सारे ट्रांजेक्शन में तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे ट्वेल्व परसेंट ऑफ ट्वेंटी फोर हंड्रेड जैसे ये है तो इसका जब हम निकालेंगे क्योंकि आई जी एस टी में क्योंकि ये सिंगल है तो इसलिए हम ट्वेल्व परसेंट डायरेक्ट लिखेंगे अगर ये इंट्रा स्टेट होता तो हम इसको सिक्स सिक्स परसेंट में दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं सो ट्वेल्व परसेंट आप ट्वेंटी फोर हंड्रेड तो ट्वेल्व बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फोर हंड्रेड जीरो से जीरो आप कैंसिल कर देंगे तो ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फोर जो कि टू हंड्रेड एट हो जाएगा अमाउंट की जो आपका फार्मूला कह सकते हो या डायरेक्ट याद रख सकते हो जिसका भी कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी यानी जीएसटी मींस जो टैक्स आएगा उन दोनों को हम ऐड करने के बाद वही हमारा बिल होता है अमाउंट ऑफ बिल और यही हमें पेड करना होता है तो टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट इसका हो जाएगा सोल्यूशन ठीक है लेकिन ये अभी एग्जैक्ट नहीं है टोटल बिल बताना है ये तो अभी सिर्फ एक का है नेक्स्ट आप सेम ऐसे प्रोसीजर में करोगे ट्वेल्व परसेंट ऑफ वन थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई वन टू जीरो सो जीरो से जीरो कैंसिल आप इसको अगेन मैंने जैसे बताया कि देखो यहाँ पे मैं चाहता तो इसको कट कर सकता था टू फाइव जा टू सिक्स जा लेकिन फ़ाइव आने के बाद फिर इस हमें इसे डिवाइड करना पड़ता तो हम हमें वो ज़्यादा सही नहीं लगा हमने क्या किया ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर ट्वेल्व एट जा नाइन्टी सिक्स टू नाइनटी एट ट्वेल्व वन जान टू अब यहाँ सिंपली पता है नीचे डिनोमिनेटर में एक जीरो है तो हम एक डिजिट्स वैले हम डेसिमल को प्लेस कर देंगे तो टू हंड्रेड एटीन पॉइंट फोर हो जाएगा अब इसकी इसका अमाउंट की बात करेंगे तो इसमें भी हम सिंपली ऐड कर देंगे कॉस्ट प्लस जी यानी टैक्स तो ये आ जाएगा टू नेक्स्ट देखते हैं 80 परसेंट ऑफ 3900 नाइन हंड्रेड तो 80 बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थर्टी नाइन हंड्रेड जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो 18 मल्टीप्लाई बाय थर्टी नाइन आप देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन लग सकती है 18 मल्टीप्लाई बाय थर्टी नाइन मीनस एटीन नाइन जो आपको करना पड़ेगा तो ये थोड़ा सा टफ है तो आप क्या कर सकते हो इसको सिंपली सा फोर्टी माइनस वन भी कर सकते हो एटीन मल्टीप्लाई बाय फोटी माइनस वन कर दोगे सिंपल सा तो एटीन को अब फोर से डिवाइड करना हमें बहुत आसान है तो हम क्या करेंगे एटीन मल्टीप्लाई बाय फोटी तो आप जब करोगे तो एट्टी जीरो जीरो आप डायरेक्ट लिख लोगे एटीन फोर या सेवेंटी टू ओके माइनस एटीन सो आंसर आ गया सेवन जीरो टू ठीक है ये आसान हो गए आपके लिए तो ऐसे ही हम एक पूरी अगर आप लोग कहेंगे तो हम एक पूरी वीडियो बना देंगे जिसमें बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ हम ट्रिक बताएंगे। एक्चुअली वो ट्रिक नहीं है एक इजी मेथड है सॉल्व करने का इजी वे है ट्रिक एक्चुअली कुछ नहीं होती है नेक्स्ट हम देखते हैं जो भी इजी तरीके से सॉल्व हो जाए उसी को हम ट्रिक कहने लगते हैं नेक्स्ट देखते हैं 18% परसेंट ऑफ थर्टी नाइन हंड्रेड इज इक्वल टू एटीन बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थर्टी नाइन जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा सेम वही प्रोसीजर मैंने यहाँ भी करके दिखाया सेवन हंड्रेड टू आ जाएगा फिर हम सारे अमाउंट्स को ऐड कर देंगे सारे अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो टोटल टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट्टी एट टू जीरो थ्री एट पॉइंट फोर जीरो मीन्स टू थाउजेंड एट थर्टी एट पॉइंट फोर जीरो और प्लस फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टू प्लस सॉरी यहाँ पे कुछ हाँ सही है फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टू प्लस फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टू ये दोनों हैं ठीक है इसमें थर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी पॉइंट फोर ज़ीरो आ गया तो ये इसका आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर फाइव फाइंड द अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन तो जीएसटी दे रखी है जैसे परसेंटेज में ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व परसेंट एटीन परसेंट ट्वेंटी एट परसेंट एटीन परसेंट नंबर ऑफ टर्म्स ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन थर्टी फाइव थर्टी टू थर्टी फाइव एम आर पी वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हर एक का ईच टर्म है ईच आइटम्स का है टू हंड्रेड वन हंड्रेड सिक्सटी वन हंड्रेड फिफ्टी वन हंड्रेड एट्टी अब देखो ये चीज़ दे रखी है अब इसके लिए देखो क्या होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में कि सी जी एस टी इज़ इक्वल टू एस जी एस टी पता है आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ होल क्वांटिटी इज़ इक्वल टू एमआरपी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम्स एमआरपी को हम और भी बोल सकते हैं जैसे कि जो हमें कॉस्ट प्राइस है या जो भी सेलिंग प्राइस जो उसने बेचा है उसको हम नंबर ऑफ़ आइटम से कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था इससे पहले के एग्जांपल्स में कि एमआरपी में अगर डिस्काउंट नहीं लगे तो हम उसी न उसी पे जीएसटी ऐड करते हैं अगर उसमें डिस्काउंट लग जाता है तो डिस्काउंटेड प्राइस पर हम करते हैं इट मीनस सेलिंग प्राइस पे करते हैं अब एक्चुअली ये कुछ अलग से कोई फार्मूला नहीं है ये अब इसमें क्या है जैसे आप सपोज करो कोई भी पाँच रुपये का पेन खरीदते हैं और अगर नंबर ऑफ़ आइटम्स यानी नंबर ऑफ़ पेन फाइव पेन ख़रीदे आपने तो जाहिर सी बात है सिंपली उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने कितने पैसे दिए हैं तो ट्वेंटी फाइव देंगे अब उस पर सपोज करो जीएसटी लगेगी कुछ मान लीजिए टेन परसेंट लग रही है तो टू पॉइंट फाइव रुपीज़ आपको जीएसटी देनी पड़ेगी हालांकि अब पेन में वो इंक्लूडेड आता है लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया तो वही सिंपल सा है कि यहाँ पे जो एक यानी जो ईच आइटम्स का है उसको और नंबर आइटम्स आपने कितने पेन या कितने कोई भी चीज़ खरीदी गई तो वो कितने आपने बाय किए हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपली तो वो हो जाएगा तो यहाँ पर देखो टोटल कॉस्ट जो है तो आप जैसे इसको देखिए वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी जीरो को सिंपली लिख लीजिए ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ जीरो लिख लीजिए टू बचेगा वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई टू तो टू हंड्रेड फिफ्टी हो जाएगा सो अब ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हो गया तो टोटल कॉस्ट जो हो गया होल क्वान्टिटी की कौन से पहले नंबर की तो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड है क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन है तो इसमें सी जी एस टी एस जी एस टी लगेगी अब सी जी एस टी एस जी एस टी की बात करेंगे तो यहाँ पे इक्वल होंगे तो ये सिक्स परसेंट सिक्स परसेंट ये हो जाएंगे ठीक है अब सी जी एस टी की बात करें तो सिक्स परसेंट ऑफ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सो जीरो से जीरो कैंसिल तो सिक्स मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सिक्स वन हंड्रेड फिफ्टी यही सेम वैल्यू हो जाएगी आपकी एस जी एस टी में इसीलिए मैंने उसको फर्दर सॉल्व नहीं किया सेम वैल्यू जो हो जाएगी आपकी एस जी एस टी में हो जाएगी अब क्योंकि सेम है तो इसलिए हम उसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि सिक्स परसेंट सिक्स परसेंट सेम अमाउंट पे लगेगा तो ट्वेंट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड प्लस वन हंड्रेड फिफ्टी यानी सी जी एस टी वन हंड्रेड फिफ्टी एस जी एस टी विदाउट सॉल्व करके मैंने लिख दिया है आप वहाँ को वहाँ पर आपको बोर्ड में आपको एक ये दिखाना पड़ेगा स्टेप एक स्टेप ये दिखाना पड़ेगा लेकिन मैंने समझा रखा कई बार मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखा रखा तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे ही कर दिया है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ट्वेंटी एट हंड्रेड हो जाएगा यहाँ पे ऐड कर दोगे वन हंड्रेड फिफ्टी टू जाए थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड एट हंड्रेड नेक्स्ट अगर है इस नेक्स्ट आप देखोगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ होल क्वांटिटी सेकेंड वाले का देखेंगे तो टू हंड्रेड जो है आपका हर एक आइटम का एम आर पी है और मल्ट जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं ट्वेंटी सॉरी नंबर ऑफ आइटम्स होंगे ट्वेंटी सेवन हो जाएंगे सो फिफ्टी फोर हंड्रेड होंगे ठीक है फिफ्टी फोर हंड्रेड अब सिक्स परसेंट ऑफ फिफ्टी फोर हंड्रेड इन ईच जी एस टी है आप लोगों के यानी हर जी एस टी में जी एस टी इट मीनस यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि जो आपका एस जी एस टी और सी जी एस टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिक्स प्लस बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फो फोर फिफ़्टी फोर हंड्रेड जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा ये आपका आ जाएगा थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर ठीक है अब आप चाहे उसको नंबर ऑफ टर्म्स कहो हो और आइटम्स बात वही है कि जैसे टोटल फ्रिक्वेंसी कह सकते हो बहुत सारे उसके नाम होते हैं तो आप देखते हैं जैसे अमाउंट अमाउंट इज़ इक्वल टू फिफ्टी फोर हंड्रेड प्लस थर्... थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर प्लस थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर अब ये दो बार मैंने क्यों लिखा क्योंकि एक सी जी एस टी है और एक एस जी एस टी है ठीक है क्योंकि ये इंटरेस्ट रेड ट्रांजेक्शन है सिक्स जीरो फोर एट इसको ऐड करोगे तब तो आ जाएगा अब इसको ऐड करने के लिए सिंपली क्या कर सकते हैं आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं और इसको जैसे नेक्स्ट स्टेप पे लिखोगे तो जीरो जीरो लिखा आपने फिफ्टी फोर हंड्रेड और इसको मल्टीप्लाई कर दिया टू से तो आपको पता है सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट होता है इसको सिंपल सा ऐड कर दोगे तो सिक्स थाउजेंड फोर्टी एट आ जाएगा नेक्स्ट देखते हैं तो फिर से टोटल कॉस्ट योर थर्ड वन की है तो वन हंड्रेड सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय थर्टी फाइव मीन्स एम आर पी एंड नंबर ऑफ टर्म्स या आइटम्स तो फिफ्टी सिक्स हंड्रेड इसको हो जाएगा अब इसके लिए क्या करो देखो वन हंड्रेड सिक्सटी को मल्टीप्लाई बाय थर्टी फाइव करना है तो सिंपल सा आप क्या करेंगे uh, जैसे कि मैं बताता हूँ इसमें आप क्या करेंगे ज़ीरो आप लिख लीजिए सिक्सटीन की टेबल तो आई होप आपको आती होगी तो सिक्सटीन फाइव जा एट्टी सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट फोर्टी एट प्लस एट फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स हंड्रेड हो जाएगा आपका अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तो अब नाइन परसेंट आप फिफ्टी सिक्स हंड्रेड तो नाइन परसेंट फिफ्टी सिक्स हंड्रेड आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर फाइव हंड्रेड फोर आ जाएगा जीरो से ज़ीरो कैंसिल होने के बाद तो फिर से टू टाइम्स मैंने लिखा क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पर ये आपका जो है एक एस जी एस टी है एक सी जी एस टी है तो यहाँ पे इसको जैसे करना हो तो आप क्या करोगे फिफ्टी सिक्स हंड्रेड प्लस टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा टू फोर जहा एट जीरो जा, वन थाउजेंड एट ठीक है अब इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा सिक्सटी सिक्स जीरो एट, यानी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट अगेन देखिए तो, टोटल टो कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट देखिए तो वन हंड्रेड फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय थर्टी टू इज इक्वल टू फोर्टी एट हंड्रेड हो जाएगा फोटी एट हंड्रेड फोर्टीन परसेंट क्योंकि यहाँ पे ट्वेंटी एट परसेंट था तो ये उसका जस्ट हाफ़ है तो फोटी एट परसेंट फोर्टी एट हंड्रेड ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा ये आपका सिक्स हंड्रेड सेवेंटी टू हो जाएगा ठीक है इसके लिए भी आप वो मेथड अपना सकते हैं कि इसको आप सिंपली ऐसे भी कर सकते थे 14 मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी माइनस टू ठीक है शो फोर जीरो या फोरटीन फिफ्ट फाइव जा सेवेंटी सेवन हंड्रेड इसको आप कर देंगे तो ये आ जाएगा इसको सिक्स हंड्रेड सेवेंटी टू ऐसे भी कर सकते हैं इसमें वैसे भी कर सकते हैं इक्वली है इसमें कुछ अलग नहीं है तो इसमें आप क्या करोगे देखो सिक्स हंड्रेड सेवेंटी टू सिक्स हंड्रेड सेवेंटी टू डबल है इसको जस्ट डबल कर दीजिए तो वन थ्री फोर फोर आ जाएगा इसको आप ऐड करेंगे तो सिक्स वन फोर फोर आ जाएगा फिर उसके बाद देखते तो, हैं नेक्स्ट वन हंड्रेड एट्टी मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पर जीरो आप लिखिए एटीन फाइव जा नाइन्टी एटीन टू जा थर्टी सिक्स प्लस नाइन फोर्टी फाइव सो फोर्टी फाइव हंड्रेड नाइन परसेंट ऑफ़ फोर्टी फाइव हंड्रेड इज इक्वल टू नाइन बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई फोर्टी फाइव हंड्रेड जीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा जो कि आपका हो जाएगा नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव नाइन फोर जा थर्टी सिक्स और फोर फोर्टी फोर हंड्रेड फाइव टू टाइम्स लिखेंगे क्योंकि एक एस जी एस टी है एक सी जी एस टी है सो फोर्टी फाइव हंड्रेड प्लस एट हंड्रेड टेन सो फिफ्टी थ्री फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड टेन हो जाएगा उसके बाद हम सारे अमाउंट्स को ऐड कर देंगे बिल बनाने के लिए उसकी तो ट्वेंटी एट हंड्रेड प्लस सिक्स जीरो फोर एट सिक्स सिक्स जीरो एट सिक्स वन फोर फोर फाइव थ्री वन जीरो इसको आप ऐड कर लीजिए सिंपल सा जीरो प्लस एट प्लस एट 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 सिक्स टीन प्लस फोर ट्वेंटी जीरो आ जाएगा टू कैरी ओवर टू टू फोर सिक्स सिक्स प्लस जीरो सिक्स प्लस फोर टेन टेन प्लस वन एलेवन ऐसे ही करके ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड टेन हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ बिल ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड टेन हो गया तो आई होप आपको बड़ा मज़ा आया होगा इन्जॉय किया होगा आपने एंजॉय से समझा है इसको मैं ये उम्मीद करता हूँ थैंक यू अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो मीन्स अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज प्रेस द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड हिट द वेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो ताकि ये दूसरे को भी इसका फ़ायदा मिल सके ओके थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में